स्टूडेंट वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है डीप फेक AI टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, 2019 में मार्क जुकरबर्ग का एक इंटरव्यू बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बाद में जिसे डीप फेक इंटरव्यू या डीप फेक वीडियो के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा, इस तरह का पिक्चर आपको देखने को मिला होगा। एक और घटना थी 2022 में, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का भी एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने ट्रूप्स को सरेंडर के लिए कहा था। तो ये सारे जो भी इंटरव्यू, ये जो चीज़ें वीडियोस आप देख रहे हैं, ये डीप फेक था। यानी डीप फेक का सिंपल मीनिंग होता है कि डीप फेक ऐसा AI टेक्नोलॉजी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जिसमें जिसका इस्तेमाल करके फेक इमेज, वीडियो या ऑडियो क्रिएट किया जाता है, है ना। मतलब एक तरह से झांसा देना, है ना, होक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, HOAX। तो इस तरह के वीडियोस, ऑडियो या इमेज क्रिएट करना जो झांसा देने का काम करे, यानी फेक हो, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है डीप फेक। ये एक AI टेक्नोलॉजी है। देखिए, डीप फेक का डीप फेक जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट टर्म है डीप लर्निंग एंड द सेकेंड टर्म इज़ फेक। डीप लर्निंग का होता है, डीप लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग है, जो एक तरह का AI टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा और एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं, ताकि हम ह्यूमन के लर्निंग को स्टडी कर सकें। यानी ह्यूमन कैसे लर्न करते हैं, उनका ब्रेन कैसे काम करता है, इसको हम स्टडी करते हैं, ताकि हम कंप्यूटर का यानी मशीन का हम लर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकें, और इस तरह से हम रोबोट्स तैयार करते हैं। यानी डीप लर्निंग क्या है, एक मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग क्या होता है, जिसमें हम डेटा या अल्गोरिदम की मदद से ह्यूमन लर्निंग को स्टडी करते हैं, ताकि हम कंप्यूटर के लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें। तो डीप लर्निंग एक AI टेक्नोलॉजी है। उसी तरह से डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके, यानी AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जब हम फेक वीडियो, ऑडियो या इमेज क्रिएट करते हैं, तो उसे डीप फेक कहा जाता है, जो कि आजकल काफ़ी डिस्कशन में है, पॉपुलर डिस्कशन में है। देखिए, जो डीप फेक्स टेक्नोलॉजीज में हाल में ही बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे कुछ एक्ट्रेस हैं जिनका डीप फेक वीडियो बनाया गया और उनको वायरल किया गया है। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि AI टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, उसका जो आने वाले समय में है, काफ़ी बहुत ही बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ChatGPT की बात करते हैं हम, या फिर और भी दूसरे तरह का, या फिर AI एंकर्स, जो आपने देखा न्यूज़ चैनल्स में, AI एंकर्स के बारे में भी आपने देखा। तो ये सारे इमेजेस में आपको दिखेगा, ये AI एंकर्स हैं, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, ये रियल एंकर्स नहीं हैं। और ये रोबोट्स आपको दिख रहा होगा, जो ह्यूमन की तरह काम कर सकता है। तो ये सारे AI टेक्नोलॉजी है, जो आज के समय में इंडस्ट्री 4, जो हमारा जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, उसमें यूज़ हो रहा है। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव एडवांटेज भी हैं, है ना। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कई तरह के जो ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर के जो वर्क हैं, उसको कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में भी रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में भी। वैसे डिजीज़ जिसको अभी तक जिसका क्योर पॉसिबल नहीं था, उसको हम क्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीमेडिसिन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन के कैपेसिटी, यानी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है मशीन का इस्तेमाल करके। जैसे कि AI जो एंकर्स होते हैं, वो 24/7 काम कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग, और उनकी कैपेसिटी भी जो ह्यूमन एंकर्स हैं उनसे ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली इसका AI टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बट साथ ही साथ
AI टेक्नोलॉजी के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि AI टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जो जॉब है युवाओं का, खासकर जो यंग जनरेशन है उनके जॉब को भी पर खतरा डाल सकता है ना, क्योंकि एक जो मशीन है वो कई सारे ह्यूमन बींग का काम एक साथ कर सकता है। तो सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज है। बट जो आज का डिस्कशन है वो है डीप फेक पे, डीप फेक टेक्नोलॉजी पे है, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई टेक्नोलॉजी है ना। इससे क्या हो सकता है, फॉल्स न्यूज़ क्रिएट किया जा सकते हैं, है ना। देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा या तो आप कोई भी इंटायरली न्यू ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वैसे चीज़ों को आप डाल सकते हैं जिसमें कोई कुछ भी कर रहा हो या बोल रहा हो जो कि उसने कभी किया ना हो, है ना। जैसे जेलेंस्की का जो इंटरव्यू फैलाया गया, इसमें जेलेंस्की ने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया था जिसमें वो अपने ट्रूप्स को सरेंडर के लिए बोले। या फिर मार्क जुकरबर्ग का जो वीडियो जो वायरल हुआ, उसमें भी मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से फेक वीडियोस नए ओरिजिनल कंटेंट तैयार किया जा सकता है। दूसरा तरह डीप फेक्स में क्या होता है कि ऐसे वीडियो या ऐसे इमेज तैयार करना जो कि ओरिजिनली उस वीडियो या इमेज में कोई और था, उसके जगह पे दूसरे को रिप्लेस करना। तो इस तरह के वीडियोस या फिर इमेज भी क्रिएट किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा डेंजर क्या है डीप फेक का, कि ये फॉल्स न्यूज़ को स्प्रेड कर सकता है, बहुत ही इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकता है, और साथ ही साथ ट्रस्टेड सोर्स के द्वारा फॉल्स जो न्यूज़ है उसको, इन्फॉर्मेशन को हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है, डेंजर है ना। साथ ही साथ ये भी चिंता जताया जा रहा है कि इलेक्शन के टाइम में या इलेक्शन प्रोपेगेंडा को फैलाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से डीप फेक्स जो टेक्नोलॉजी है उससे बचने के लिए भी कई सारे उपाय सुझाए गए हैं, है ना। जिसमें आप अगर इमेज को आप ध्यान से देखें या वीडियोस को आप अगर ध्यान से देखें, तो उसमें जो आई मूवमेंट होगा वो अननेचुरल होगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वीडियो या इमेज क्या है, फेक है ना। उसके साथ साथ जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो दो इमेज दिखाया गया है जिसमें एक तरफ रियल इमेज है और एक तरफ फेक इमेज है, तो इसमें जो आई का मूवमेंट होगा वो अननेचुरल होगा। दूसरा जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा वो इनकंसिस्टेंस होगा, मतलब वो वर्ड्स के साथ वो मैच नहीं होगा। अगर आप जो AI एंकर्स होते हैं उनको अगर ध्यान से देखें आप, तो उनके फेस पे एक्सप्रेशन की कमी होती है, मतलब हर घटना को, हर न्यूज़ को वो एक ही तरीके से पढ़ते हैं, है ना। तो इनकंसिस्टेंस होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन। साथ ही साथ जो लिप सिंसिंग है, लिप सिंसिंग मतलब जो वो बोल रहे हैं और लिप का जो मूवमेंट है दोनों के बीच में मिसमैच होगा, इरेगुलरिटीज़ होगी। और साथ ही साथ अगर AI को देखें, AI जो डीप फेक जो बेस्ड जो इमेज होंगे उसको आप देखें, और दूसरे उसके साथ अगर दूसरे कुछ लोग हैं उसको देखें, तो दोनों के बीच में आपको लाइट और शैडो का एक अलग ही पैटर्न दिखेगा। मतलब कि जो डीप फेक इमेज होगा या वीडियो होगा उसमें लाइट और शैडो का जो पैटर्न है वो इनकंसिस्टेंस होगा। तो इन तरीकों से आप ध्यान देकर इन डीप फेक्स वीडियोज या फिर इमेज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डीप फेक टेक्नोलॉजी। थैंक यू।